सो सर, हम फर्स्ट टाइम सेट पे आए तो पहले तो ये जानना चाहेंगे फर्स्ट सीजन है कैसा, क्या आपने डिजाइन किया, पहले तो डिटेल में अगर थोड़ा समझाना चाहेंगे। तो दिस इज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, कभी देखा नहीं है, कभी मैंने किया नहीं पहले। एंड दिस इज़ कॉल्ड लॉकअप, एक जेल है जहाँ सब लोग आके रहने वाले हैं। एंड कैसे रहने वाले हैं मुझे पता नहीं, मैं करते करते डिज़ाइन करते हुए भी मेरे को भी टेंशन आ रहा था, बाप रे बिग बॉस अलग है, ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। दिस इज़ लाइक अ लॉकअप विच नेवर सीन बिफोर। इफ़ अगर मैं इधर रहता तो मैं तो पागल हो जाता, यू नो, इधर मतलब रहने के लिए इतनी दुविधा है कि हर चीज़ कमाना पड़ता है, यू नो, इट्स लाइक लग्जरी नहीं है। बेड भी वैसी है जैसे जेल में होते हैं। बाथरूम में तो हमारे पास बहुत सारे, यू नो, एक एक पहलू हैं जो आपको अर्न करने पड़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, शावर कर्टन नहीं है, आपको शावर कर्टन अर्न करके कमाना पड़ेगा, तो आप कर्टन से जाके अंदर नहा सकते हैं। फिर अगर वो शावर कर्टन को दरवाज़ा बनाना है तो वो भी एक पूरा एक टास्क करना पड़ता है, तो दरवाज़ा होगा। हर चीज़ के लिए आपको फाइट करके कमाना पड़ेगा। पिलो, लग्जरी पिलो है, वो भी एक यू नो एक टास्क है। जैसे आप देख रहे हो, ये पूरा जो लॉकअप है इस तरह बनाया कि एक फोर्टिफाइड है, 45 प्लेस है जहाँ से कोई निकल नहीं सकता है। इधर यहाँ वार्डन लोग हैं, यहाँ इतनी ज़बरदस्त सिक्योरिटी होती है कि यू नो बाब वायर से करके द मेटल शीट्स, द स्टोन वॉल, एवरीथिंग इज सो रियल। इवन इनफैक्ट वो भी कितने दिन गिनने वाले हैं, कहाँ होने दिन का अता पता नहीं होने वाला है इनको, एंड बहुत ही स्ट्रेनस स्टे होने वाले हैं। बट येस, देर इज़ द यू नो मैग्नीट्यूड ऑफ कंगना रनौत विच इज़ गोना मेक दिस होल लॉकअप मोर एन्जॉयबल एंड मोर क्रेजियर, आई बिलीव। एंड वाइल डिज़ाइनिंग ऐसा था कि इसको कितना रियल बनाए, एंड येट इतने सारे कैमराज हैं, तो ऐसे नहीं लगना चाहिए कि कैमरा देख रहे हैं आपको, तो हर कैमरा को पीछे पीछे छुपाया हुआ है, मिरर के पीछे छुपाया है, जाली के पीछे छुपाया है। एंड इसकी स्पेशल लाइटिंग ऐसी है कि आपको दिन में दिन लगेगा, इनफैक्ट जब अंदर ही रह रहे हो रात भी चेंज कर सकते हैं, यू नो, अंदर का जो हम जब अंदर जाओगे तो आपको पता चलेगा कि किचन में पूरा लॉकअप है, यू नो, जाली बंद है, कब जाके खुलने वाला है वो ऑब्वियसली क्रिएटर्स पर है, लेकिन उसमें मज़ा है। क्या तो हर चीज़ मैं जब डिज़ाइन कर रहा था उनमें से जो मेरे को ब्रीफ मिल रहा था ना, करते करते इतना मज़ा आ रहा था कि भाई इसको और चैलेंजिंग कैसे करें। ठीक है, चलो इधर आओ, सो के देखो कैसे लगता है, यू नो, सामने से जाली है, जाली में से वो दूसरा है, यू नो, एक्सचेंज मिलता है। तो हम लोग सेपरेट लॉकअप्स नहीं कर रहे हैं, बड़े लॉकअप्स कर रहे हैं। जेल पूरा कॉरिडोर है लेकिन ऑपोजिट साइड्स हैं दोनों के, यू नो, यहाँ अभी ए टीम हो जाएगी, बी टीम हो जाएगी, हाउ दे गोना फाइट, एंड बहुत सारे छुपे छुपे राज मैंने इधर छुपाए हैं, वो धीरे धीरे करके अनफोल्ड होंगे बाद में, वो अभी नहीं किसी को पता चलेगा। रूम्स पूरे स्लॉट में दो रूम है, एक बी साइड है, एक ए साइड है, बीच में एक पैरेलल वॉक है जहाँ सब लोग देख के चिल्ला सकते हैं। तभी खुलेगा जब वार्डन मतलब बोलेंगे उनको खोलने के लिए, या तो अगर आप टास्क कंप्लीट कर सके तो बाहर निकल सके। यू नो, हर चीज़ है टाइमिंग पर, जैसे आपको टाइमिंग पर कोई आके विजिट कर रहा है वो सब एक डिफरेंट टास्क होगा। किचन का टास्क, किचन खुलने नहीं वाला है, कैसे खाने वाले हैं, क्या डिप्राइव होके डिप्राइविटी को कमा के अर्न करना, उनको पॉइंट्स नहीं मतलब टास्क अर्न करके फिर उनको एक लग्जरी पॉइंट मिलेगा। बेडरूम जैसे आप गए थे जेल तो वैसे ही है। मतलब हाँ, ये है कि यहाँ अलग अलग पॉइंटर्स हैं, जैसे कि बेडरूम एक दूसरा है। अगर आप जब जाओगे तो दिख रहे हैं एक यहाँ एरिया है जो हम एक ज़माने में कभी पूल सोचते थे, पूल नहीं है हमारे पास, लेकिन एक ऐसा एरिया है जहाँ अंदर जाके दैट इज़ बिकमिंग अ सॉलिट्यूड, मतलब सॉलिट्यूड एरिया वेयर दे गोना गो, वहाँ नीचे लाइक जब दफनाएंगे तो उनको कुछ नहीं मिलेगा लेकिन वहाँ जाके रहना है। दूसरा एक है जैसे आप टावर देख रहे हो उतना बड़ा, वहाँ वार्डन ऊपर हमेशा रहेगा लेकिन उसके नीचे भी एक सेल बनाया हमने, तो जो कुछ कमाया नहीं, जिसने कुछ फॉल्टर किया तो वहाँ जाके रहेगा। ऑब्वियसली ऐसा लगता था, बिकॉज मैं भी बोला मैं उधर जाके रहूँगा तो मैं तो जब भागने की कोशिश करूँगा, ठीक है भागने की कोशिश करो फिर पनिशमेंट मिलेगी। तो दीज आर ऑल यू नो एडेड लाइक विद द डिज़ाइन, वी लाइक कंट्रोल्ड इट एंड सेस जाने दो ऊपर, लेट्स सी, करने दो उनको, ब्रेक करने दो रूल्स, दे विल गिव पनिशमेंट। तो उसमें मज़ा था ये डिज़ाइन करने का। रिसर्च तो मैंने जब सरबजीत की थी तब की थी, तो ऑब्वियसली आई मीन आई लिव्ड इन लाइक अ यू नो द क्रैगी वॉल, द स्मेल एंड वो सब मैं फील कर चुका हूँ वाइल डिज़ाइनिंग सरबजीत। तो वो मेरे मन में था कि हाँ उतना हम क्रैगी नहीं करेंगे जैसे वो पाकिस्तान जेल था, लेकिन ये ऐसे करेंगे कि यू कैन ईदर फील ईरी अबाउट इट वंस यू स्टेइंग इन। ये भी है कि मैं क्यों देखूँ ये शो, नहीं फैंटास्टिक है, समथिंग न्यू दैट आई एम नेवर सीन बिफोर, और उसको रियल लाने के लिए यू यूज़ द रियल टेक्सचर। जो लोग यहाँ रहेंगे उनको ही पता चलेगा कि ये जो बाथरूम जो बाहर से है, अब ये नॉर्मल कॉमन बाथरूम है, इसके बाद में एक लग्जरी बाथरूम भी है। ओके, यहाँ आपको कर्टन अर्न करना पड़ेगा, सब चीज़ होगा, तो दैट स्मेल वेल सब है। इनफैक्ट मैंने वॉश बेसिन नहीं दिए हैं, तो बेसिकली वो टूटी होती है ना पुरानी वाली जो टैप है, उसमें से ही धोने, नीचे कपड़े धो वैसे ही उठो, सेम किचन में भी वैसे ही है, हमने सिंक नहीं दिए बर्तन मतलब वॉश करने के लिए, वही नीचे बैठो और नीचे धो,
तो ऑल दिस मतलब रिसर्च नहीं किया है, लेकिन हमको पता है कैसे दिखता है, मतलब क्रैगीनेस द ईरीनेस उसको हमने यू नो ध्यान में रख के फिट डिजाइन किया। Yes, the bathroom is very like that, but there are obviously there are secret places, there are different places that will slowly, you know, unfold in the show. And but yes, the moment you earn something, you will get a reward. Sir, is there also a confession moment? है लेकिन वो बाद में खुलेगा, बिकॉज अब आपके लिए है ये यू नो जो घर है सामने दिखेगा, जो अंदर के रूम्स है वो आपको भी सरप्राइज है, बाद में अच्छी तरह देखते रहो। जब आपने बिग बॉस का सेट अभी तक जितने सीजंस बनाए हैं, इट इज फुल ऑफ लग्जरी और बहुत सारे अम्यूनिटीज यहाँ पे देते हैं, और एग्जैक्ट अपोजिट यहाँ पे है जहाँ पे आप अम्यूनिटीज से लोगों को डिप्राइव करता हुआ दिखाई दे रहे हैं, तो इस सब में आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? बिकॉज अभी जस्ट आपने जब बिग बॉस 15 का बनाया था, सब लग्जरी एंड एवरीथिंग, तो यहाँ पे क्या आपने चैलेंजेस फेस किए व्हाइल डूइंग अ सेट जहाँ पे सब कुछ छीन लिया गया? देखो ये इसमें ना मज़ा आया मुझे डिज़ाइन करने में, क्योंकि इट्स जस्ट अपोजिट टू एनी थिंग दैट वी डन, एंड इट वॉज चैलेंजिंग बिकॉज हम बेयर मिनिमम में सेट को कैसा अच्छा दिखाएं। ओके, बोरिंग भी नहीं होना चाहिए, मैं रेगुलरली देखने वाला हूँ, 24 आवर देखने वाला हूँ, तो वॉट इज़ इंटरेस्टिंग, तो ऑब्वियसली बात करते वक्त वो बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है, यू नो पैटर्न ऑफ जाली थोड़ा लिबर्टी तो लिया है मैंने, यू नो वॉल्स पर वैसे डिज़ाइनर ये तो नहीं है, लेकिन डिज़ाइन करते वक्त अच्छा लगा, बार्स के थ्रू हम शूट करें तो कैसे लगेगा, यू नो ऑब्वियसली बेड दिया है, दैट आयन बेड इज़ देयर, वो जो खटिया होता है ना आयन का जिसमें बैक टूट जाती है, तो वो सब किया है, तो ऑथेंटिसिटी में जितना मज़ा आया ना करने में, तो दैट इज़ द कम्प्लीटली ड्रास्टिक डिफरेंट ऑफ व्हाट आई डिज़ाइन बिफोर, बट दिस इज अ डिफरेंट सेटअप ऑल टुगेदर एंड आई जस्ट लव इट, आई होप यू पीपल ऑल्सो लाइक इट एंड यू वांट टू स्टे हियर। ओके, इज देयर एनीथिंग एज सच लाइक कैप्टन यहां पर कोई होने वाला या कैप्टन रूम ऐसे कुछ है? वो सब है पर वो सब खुफिया है। सब चीज़ है, बहुत सब चीज़ है, बहुत बहुत अंदर इतने सारे रूम है कि वो मुझे भी याद नहीं क्या क्या है। ओके, कंगना का 50% रोल होगा यहाँ पर, तो कंगना के लिए ऐसी कुछ स्पेशल जगह है जहाँ पर वो खड़े रहकर होस्ट करेगी या टोटली अलग ही सेटअप है या यहीं पर होगा वो है जगह है, but obviously there are two different sets, you'll come to know there is one set inside which I can't show you, that's later on because the 27th ko to 20 tarikh ke liye aapko ye set hai, yeah, thank you. Please come aur main fat se aapko dikha deta hu chalte chalte kya hai so that you can... वो टेबल नीचे रखा, अभी गोइंग इनसाइड टुगेदर गाइस, अंदर शूट निकाल के जा रहे हैं, दुनिया पानी का खाना खा रहा है, तो बंद कर पानी का शॉट अंदर भी आपको यहाँ लेना है पहले एक्सटीरियर एंड देन गो इनसाइड, आपको पहले विजुअल लेना है, पहले अंदर जाके पूरा देख लो, फिर आप अपने हिसाब से, फिर बाहर अपने हिसाब से आप फुटेज ले। इज द बाथरूम ओपन? या नो? पूछ लो, एक्चुअली इज आउटसाइड देयर, ओके यू कैन विजिट इट ओवर देयर, दैट्स द लो ग्रेड बाथरूम, कमा के पॉइंट्स अंदर एक लग्जरी बाथरूम है, वो बाद में देखने मिलेगा, लेकिन प्लीज एंटर। दिस इज आर जेल, और जैसे आप देख सकते हो कि लेफ्ट साइड में कैफेटेरिया टाइप ऑफ यू नो जगह है जहां लोग खाना यहां से लेके वहां खाएंगे, लेकिन तो भी जेल में जैसे होता है एक प्लेस जहां वो लोग टीटी खेलेंगे या कुछ खेलेंगे, तो ये वो एरिया है, ओपन एरिया है, बट यहाँ ये है हमारा किचन जो मैं बता रहा था आपको, और किचन में दिस इज द हाईलाइट जहाँ वो लोग जो भी बर्तन धोएंगे या नीचे बैठ के ही धोएंगे, यहाँ से पानी खुलेगा और यहीं से धोना है, दिस इज द फर्स्ट टाइम वी नेवर डन बिफोर, एंड इफ यू सी एवरीथिंग इज वेरी रॉ, जो बर्तन भी वैसे हैं जो जेल में मिलते हैं वही बर्तन हमने यू नो इनको दिए हैं, एंड ऑब्वियसली ऑथेंटिसिटी करके भी हमने थोड़ी थोड़ी सुविधा भी दी है, जो जहाँ से कुकिंग करे तो इतना भी बुरा नहीं है। अब थोड़े पीछे चले जाओ, एक पूरा सरप्राइज है, ये कैसे खुलता है बंद होता है मैं बताता हूँ, पीछे आ जाओ, ये पूरा यहाँ से बंद हो जाएगा, सो यस किचन विल नेवर ओपन फॉर देम थ्रू आउट, वन करो पॉइंट्स और फ्री खुलने वाला है, दिस इज व्हाट इज गोना बी थ्रू आउट, पर यहाँ से एंगल आ जाएगा।
That I can't take you. That's the luxury bathroom. Later on you'll come to see. Bedroom. This, as you see, is two sides of the bedroom. Left side and right side. A team and B team, and obviously झगड़े भी बहुत होंगे एंड अक्रॉस द यू नो बाहर सब लोग एक दूसरे को सुनाते रहेंगे जो भी करना है बट यस दे कांट एस्केप फ्रॉम हियर एंड तभी खुलेगा जब वार्डन चाहेगा जब कंगना जी चाहेंगे एंड एवरीथिंग विल ओपन ओनली व्हेन द पुलिस एंड वार्डन एग्री बट बहुत कैरेक्टर है बहुत क्रेजीनेस है एंड यस खुफिया बहुत चीज़ है जो मैं बताने नहीं वाला हूँ लेकिन आप देखते रहो मज़ा बहुत आएगा अब मैं जा नहीं सकता हूँ लेकिन अगर जाऊँ तो ये अलाउड नहीं है उनको तो ये कोशिश करने वाले हैं कोशिश करेंगे लेकिन अगर गए तो सजा मिलेगी दिस इज द बेड दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट सबकी पेटियां हैं अपने कपड़े जो लेके आएंगे बस इसमें रहेंगे एंड ऑब्वियसली बेड बने ही हैं आयन के सो दे कैन स्लीप लाइक दैट फाइट्स बहुत होने वाली हैं लेकिन मज़ा उसमें ही है एंड छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जैसे बाहर की लाइट यू नो कैसे अंदर आती है वो डिटेल किया हमने बीकन है जहाँ साइरन चलेगा समबडी हैज यू नो गिफ्ट अप समथिंग लाइक दैट आगे आ जाए तो ये अदर साइड है ऑब्वियसली हु चूजेस व्हाट बेड एंड कहां से यू नो तो डिटेलिंग जो देख रहे हैं आप वॉल पर यू नो द जालीज एंड द मेटल वॉल इज व्हाट आई लव एंड ऑब्वियसली द अदर रूम्स आर इनसाइड व्हिच इज द झोल घर एंड बहुत सारे इस रूम के पीछे इस दरवाजे के पीछे बहुत सारे खुफिया रूम्स हैं जो आपको अभी देखने नहीं मिलेगा अभी के लिए बस इतना ही है थैंक यू चल अभी आप लोग क्लोजर हो सकते हैं एक मिनट और